हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ, घर पे हम कैसे अपने हैंड सैनिटाइज कर सकते हैं, कैसे हम घर पे ही उसको बना सकते हैं, हमारे पास घरेलू नुस्खे से जो है इसको हैंड जो है सैनिटाइजर बना सकते हैं। क्योंकि एक्चुअली आपको पता ही है कि जो इस टाइम पे बहुत ज्यादा जो है वायरस होने के चांसेस है, सबको नजला जुकाम और बहुत सारे जब मौसम चेंज होता है तो इस वजह से भी हमें जो अपने हाथों को अच्छे से वॉश करके रखना होता है। मगर ये है कि हम बार बार अगर हम हाथ वॉश करते हैं, हैंड वॉश करते हैं, तो साबुन से वो जो है जर्म्स नहीं मरेंगे। उसके लिए हमें जो मार्केट से हमें महंगे महंगे जो है, आपको पता है कि ये जो हमारे पास हैंड सैनिटाइज मैंने जो परचेज किए, ये एक्चुअली वैसे मार्केट में 200-300 का मिल रहा था, मगर इस टाइम पे ये जो है रेट टू रेट मिल रहा है 550 रुपीज़ का। मगर ये है कि जिनके घर में बहुत बड़ी फैमिली है, फैमिली जैसे काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे जॉइंट फैमिली है, तो वो जितना भी यूज़ करेंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा कम पड़ेगा। तो मैंने जो सोचा है कि घर पे ही हैंड सैनिटाइज करने के लिए जो एक मेथड मैंने जो तैयार किया है, और वो जो बनाने का तरीका बहुत ईजी है, उसके लिए आपको मेरे किचन में जाना पड़ेगा। चलिए उसके लिए, उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोगों को ये वीडियो जो यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब के लिए मैं नहीं कहूँगी आपको, क्योंकि अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगता हो तो ही आप सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए चलते हैं, मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं देखिए, मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ जो है एक बॉयल करने वाली हूँ पानी के अंदर। मैं सबसे पहले मैं लूँगी मिंट, ये है मेरे पास पुदीना। पुदीना जो है मेरे पास घर का ही बना हुआ था, घर पर ही मेरे जो है बगीचे में लगा हुआ था। और साथ में मैं लूँगी यहाँ पर कुछ पत्ते लूँगी मैं तुलसी के। तुलसी के पत्ते आपको पता है एंटीबायोटिक होता है, हमारे सारे जो जर्म्स हैं उनको ख़त्म कर देता है। आप इसका जो बॉयल करके रोज़ पानी भी पी सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये दोनों चीज़ें ली है, और यहाँ पर जो मैंने ले लिया है, मैंने कुछ लिए हैं, मैंने 2 से 3 जो है इलायची ली है, कुछ मैंने जो है काली मिर्च लिए और कुछ मैंने लौंग लिए। आपको पता है ये जो अगर हम इन चीज़ों का अगर पानी भी पीते हैं, इससे जो हमारी जो प्रतिरोग क्षमता है वो अच्छे से बढ़ती है, इम्यूनिटी सिस्टम भी काफ़ी अच्छा बढ़ता है। मगर उसके अंदर हमें जो है इंक्लूड नहीं करना होगा कपूर। यहाँ पर जो है मेरे पास ये कपूर है, कपूर हमें इसको पानी के अंदर बॉयल करना है इन सबको आपस में, और उसको जो है 2 लीटर पानी के अंदर जो आप इसको अच्छे से घर पे जो है इन छोटे छोटे टिप्स से जो है घर पे बना सकते हैं। मगर हाँ, इसके साथ साथ पानी के अंदर हमें जो बॉयल करना होगा, मेरे पास यहाँ पर है जैतून का तेल है, कुछ बूंदे हमें जो जैतून के तेल की भी इसके अंदर ऐड करनी होगी। बॉयल करना होगा जो हमें 10 से 15 मिनट अच्छे से, जब ये पानी बॉयल हो जाए उसके बाद हमें जो इसको एक ठंडा होने पर एक जो है स्प्रे बॉटल में इसको जो है ट्रांसफ़र कर देंगे। मैं दिखाती हूँ आपको कैसे इसको बॉयल करना है। देखिए यहाँ पर जो है मेरा पानी जो है उबल चुका है, और मैंने यहाँ पर जो सारे अपने जो इंग्रेडिएंट थे इसमें मैंने डाल दिया है। इसको 10 से 15 मिनट में अच्छे से बॉयल होने दूंगी, साथ में जो मैं अपने ये मिंट और जो पुदीना है तुलसी दोनों को भी मैं ऐड कर दूंगी, और इसका थोड़ी सी देर में जो है कलर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगा, येलोइश कलर में हो जाएगा। और जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसको किसी बॉटल में ट्रांसफ़र कर दीजिए। साथ के साथ मैंने इसी में जो है एलोवेरा के जो है कुछ बूंदे मैंने इसमें जो है ऐड कर दी है। ये देखिए अच्छे से बॉयल होने लग गया है, आपको अच्छे से बॉयल करने देना है 10 से 15 मिनट के लिए। इसका कलर जो बिल्कुल चेंज हो चुका है, येलोइश कलर में हो चुका है। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तब आप इसको जो है किसी कंटेनर में या बॉटल में इसको जो डाल सकते हैं। और ये हमारा जो हैंड सैनिटाइजर, मैंने जो अपने बच्चों के लिए जो छोटी छोटी बॉटल्स, जैसे अगर आपके घर पे स्प्रे बॉटल है या ऐसी कोई बॉटल्स है, तो मैंने इसके अंदर जो सैनिटाइज कर दिया, और बच्चे शौक शौक में जो इसको यूज करते रहते और बार बार इसको जो है अपने, जैसे बार बार हम लोग जैसे हैंड को बार बार अपने फेस पे लगाते तो छोटे छोटे एलर्जी होने के चांसेस होते हैं। अगर ये बच्चे जो है इसको बार बार अपने हैंड पे अगर इस तरह से अगर डालते हैं और उसके बाद जो है इसको ऐसे रब करते हैं, उनको हमने जो हैंड वॉश करने का तरीका भी बताया हुआ है कि आपको पता 20 सेकंड तक हमें जो हैंड वॉश करना चाहिए। और इस तरीके से आप इसके अंदर देखेंगे थोड़े थोड़े जो ये मेंट्स मैंने जिसमें कपूर इसके अंदर और ये सारी चीज़ें जो है मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और इस तरीके से आप घर पे जो इसको हैंड वॉश को बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा हैंड सैनिटाइजर बना सकते हैं। और इसको जो आप किसी भी ट्रैवल बैग पे अपने किसी भी छोटे हैंडली बैग पे इसको ले जा सकते हैं। तरीका देख ही लिया आपने, बहुत ही ईजी है और इसे जो कैरी करना भी बहुत आसान है। और उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक और आज की वीडियो जो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। ऐसी होम रेमेडीज में और आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। बाय बाय।